तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मजेदार वीडियो है नाटक किसे कहते हैं तथा नाटक के तत्व। एक ही वीडियो में आपको नाटक किसे कहते हैं तथा नाटक के तत्व बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए देख लीजिए। नाटक शब्द नट धातु से बना हुआ है, मतलब आपका जो नाटक है किससे बना हुआ है, वो आपका नट धातु, मतलब आपका नट धातु से बना है, जिसका अर्थ है भावों की अभिव्यक्ति। मतलब किसी के भी भाव, जैसे आपके भाव, मन के, मेरे भाव, उसकी क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार नाटक का संबंध किससे है, ऐसे रंगमंच से है। कैसे रंगमंच से, ऐसे रंगमंच से है जिसमें अभिनय का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है, अभिनय। क्लियर है, तो पूरा देख लीजिए। नाटक शब्द नट धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ भावों की अभिव्यक्ति। इस प्रकार नाटक का संबंध ऐसे रंगमंच से है जिसमें अभिनय का ध्यान रखा जाता है, नाटक कहलाती है। देख लीजिए एक और, हिंदी साहित्य के नाटक सम्राट कौन है, जयशंकर प्रसाद है। क्लियर, इसके तत्व बिना देरी के देख लेते हैं। बिना देरी के इसके तत्व, नाटक के तत्व, तो वे कहानी के तत्व जैसे ही रहने वाले। कथा वस्तु, नाटक का आप मनाओगे, धारावाहिक आप मनाओगे, तो उसमें कथा वस्तु मतलब एक टॉपिक पर आप मनाओगे, ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर आप क्या करो, पात्र या चरित्र चित्रण, मतलब उसमें जो पात्र रहने वाले वो कैसे हैं, मतलब पात्रों की आपको जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ चरित्र चित्रण, मतलब उनका जो रहन सहन है क्या वास्तविक में सही है। क्लियर, एक तो कथा वस्तु आप किस टॉपिक में बनाओगे, उसमें क्या होने पात्र, मतलब उनमें जो नाटक करेंगे वो पात्र तो होने चाहिए। उसका चरित्र देखना कि नकल शकल अच्छी है, जम रहा कि नहीं जम रहा, नहीं तो नाटक को ही फेल कर दो भैया, इस आदमी को ले लो। ठीक है, संवेदना योजना, मतलब योजना से बनाना उसको, कब क्या होना, कब क्या नहीं होना। क्लियर, तीन चीज। चौथी, वातावरण, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका कैसा रहेगा, ये आपको देखना है कि अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। भाषा शैली, जिस आपको यहाँ पर जिस देश में है अच्छी बोली जाती है, जैसे हिंदी है तो आप हिंदी बोली जाती है हमारी, तो हिंदी का उपयोग करें, नहीं तो आप उर्दू बना दोगे तो कौन देखने जाएगा। क्लियर, ऐसे ध्यान रखना चाहिए। और उद्देश्य, उसका सार क्या निकल के आया, पूरी जो नाटक बनाया उसका सार तो निकल के आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी सार नहीं निकले तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। सातवा है संकल यत्र, संकल यत्र। और आठवा अभिनेता, मतलब लास्ट वाला अभिनेता। क्लियर, देख लीजिए इस वीडियो में आपको नाटक के तत्व, साथ ही साथ नाटक की परिभाषा, उसके तत्व बता दिए। तो अच्छे से मेहनत करनी हो और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बोल रहा हूँ तथा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा तथा उन्हें भी यहाँ पर बताइएगा कि एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और बिना निःशुल्क के आपको बताए जाएंगे। और यदि किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक होगा उसके कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।